सबसे पहले वो पांच रामबाण उपाय क्या हैं? उपाय के साथ साथ योगाभ्यास, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर ही दी है, जो सर्दी में गर्मी का एहसास दे दे और कोरोना से भी हमें बचा कर रखे, क्योंकि इस वक्त कोरोना का डर तो है ही, लेकिन सर्दी का सितम तो बहुत बढ़ गया है। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, दंड बैठक तो बता दिया, अब किसी को ज्यादा ही करना है तो चलो जोर आजमाइश भी हो जाएगी। एक ये उपाय है सर्दी में गर्मी पाने के लिए, एक दूसरा है ये, ऐसे आप मेरा साथ निभा सको तो निभा लेना, साथ ही साथ निभाना, नहीं तो जितना हो सके उतने करते जाना, फिर ये ऐसे 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 या पूरा जोरदार मामला, फिर ऐसे पार्श्वदंड ये ऐसे, और ऐसे इजी वाला ही करवा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मामला, और दूध में हल्दी सिलाची चवनप्राश से ले लेना, सबके लिए मैं एक एक क्विंटल भिजवा देता हूँ, पूरे इंडिया टीवी को ही खिला देना, आज ही लेकर के आता हूँ ये ऐसे। स्वामी जी आप इसे इजी कह रहे हैं, सर्दियों में इसी में नानी की याद आ रही है। लग रहा है ना फुल स्लीव्स पहन कर क्यों आ गए, लग रहा है आज जैकेट पहन के गलती कर ली। तो ये ऐसे, और यदि यूं कर लेना ऐसे, मैं तो एक ही सांस में ऐसे 50-100 बार, ऐसी एक सांस में 25-50 बार, और एक सांस में एक एक बार करते हैं ना तो ऐसे हो जाता है, इसको बोलते हैं मिश्र दंड, दंड बैठक दोनों हो गए, और किसी को ज्यादा ही ताकत लगानी है तो ऐसे करके, ये गांव में ऐसे क्या करते, वापस गांव की संस्कृति, वापस मूल प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, नहीं तो अपना गुजारा ऐसे ही कर ले। तो ये तो सर्दी भगाओ गर्मी जगाओ, और फिर लीवर किडनी के लिए 5-10 अभ्यास बता देता हूँ, क्योंकि आप बातें छोकती जाएंगी बीच बीच में, प्रश्न पूछती जाएंगी, तो लेकिन आज दंड बैठक में मैंने आप सबको पास कर दिया है, ताम धाम लगा करके भी लगी पड़ी है सब, बड़े दिनों के बाद स्वामी जी, कहीं टीपी लगी है कहीं, बड़े दिनों के बाद स्वामी जी दंड बैठक जो है ना कोशिश पूरी की है, दंड की तरह लगी है, बहुत दिनों की प्रैक्टिस है जो छूट गई थी, आज बड़े दिनों के बाद दंड लगाई भी बहुत अच्छा बन गया था, तो हमने सोचा चलिए बॉडी बूस्टिंग ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। 5 अभ्यास जी स्वामी जी, 5 अभ्यास बैठ के, 5 अभ्यास लेट के, किडनी के लिए लीवर के लिए बता रहा हूँ, लिवोग्रिट लिवामृत तो ये लीवर के लिए, फैटी लीवर लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक हमने कंट्रोल ही नहीं ज्योत्सना जी क्योर किया है, और किडनी के लिए रिनोग्रिट, इसको गोखरू के काढ़े के साथ, और साथ में ही चंद्रप्रभा गोक्षरादि और गिलोय गोखरू का काढ़ा, गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा, जिनका प्रोटीन लीकेज भी है, क्रिएटिनिन जिनका 18 तक था, आपने देखा था नवीन को नया हो गया आर्मी का बालक, 18-19 से उसका 2 पर आ गया, अभी 1.5 पर आ गया है रिनोग्रिट से, कितनी जबरदस्त चीज है, जिनको कब्ज है उनके लिए शुद्धि चूर्ण, सुबह उठते 2-3 ग्राम खा लो, और यदि पूरी चम्मच खा लेंगे तो हाथी जैसा भी किसी का शरीर है तो हाथी का भी पेट साफ हो जाएगा, छेड़ता फिरेगा, ये तो शुद्धि चूर्ण के बारे में बताया। स्वामी जी ज्योत्सना चाह रही है, ज्यादा साफ होता है स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कोलोग्रिट खाली पेट और कुटज घनवटी चित्रगादी खाने के बाद ले लो, कोलाइटिस खत्म। जी 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 छोको स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि लिवर किडनी को कैसे हेल्दी रखना है, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, उसकी शुरुआत तो आपने कराई दी है और बताना भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही है कि जो नया वेरिएंट है उसके खतरे को रोका जाए, और इसी मुहिम में इंडिया टीवी के साथ मिलकर आप भी जुटे हुए हैं, पूरे भारत में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पुराने वेरिएंट के साइड इफेक्ट्स अब तक जान के लिए आफत साबित हो रहे हैं, तो अब लीवर पर जो नई स्टडी सामने आई है जिसका जिक्र हमने किया, बेहद चौंकाने वाली स्वामी जी, स्टडी के मुताबिक कोरोना इफेक्ट से लीवर इतना सख्त हो जाता है, इतना स्टिफ हो जाता है कि उसमें स्वेलिंग फाइब्रोसिस के साथ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है,
तो ऐसे में लिवर की हिफाजत कैसे रखें, उस स्टिफनेस को और उस लॉन्ग टर्म इफेक्ट से हम कैसे बचें? एक तो मंडूकासन और शशकासन तो बता दिया, अब योग मुद्रासन बताएंगे। सुबह खाली पेट अनार खाएं, या अनार, एक अनार सो बीमार। देखो लोग ना इन चीजों को हल्के में ले लेते हैं। आप सोचो करीब पिछले 50 सालों से 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की मैं यात्रा कर चुका हूं। आदि राहुल गांधी जी की तो 3000 किलोमीटर की यात्रा के बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो मेरी भी तो थोड़े चर्चे कर लो। 25 लाख किलोमीटर घूमा हूं और एक बार भी पेट खराब नहीं होने दिया। अनार खाता हूं रोज, थोड़ा सा अनार खाने के साथ, सुबह सुबह खाली पेट खा लो तो कितना पेट खराब हो ही नहीं सकता। मुझे एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं हुआ, एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ। ये अनार की महिमा है। दूसरा सेव खा लो, ये सेव सुबह सुबह कितनी अच्छी बात है। जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पी लो, नहीं तो सर्वकल्प कायकल्प क्वाथ पी लो, रेडीमेड है, छोटी सी बात है। और खाने के बाद कोई द्राक्षा सब ले लेना, तो पेट इतना मुलायम रहता है, इतना मुलायम तो मुलायम सिंह जी भी नहीं थे, चले गए। ये द्राक्षा सब, फिर ये तो फिर किसी को सूजन हो तो पुनर्नवारिष्ट। ये मुझे आसर इसलिए बताने पड़ रहे हैं, लोग जब जल्दी जल्दी बोल देते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। पुनर्नवारिष्ट आंतों की सूजन के लिए, ये कुटजारिष्ट खाली पेट कोलोग्रिट मैंने बताया, खाने के वित्त बाद ये कुटज घनवटी चित्रकादी वटी और ये कुटजारिष्ट लेने से कितने ही दस्त लग रहे हो वो ठीक हो जाते हैं। अब रही बात कॉन्स्टिपेशन की, शुद्धि चूर्ण के साथ गुलकंद सिंपल है, कभी कभी ये एरंड का तेल ले सकते हैं। और ये सब गोल दूध के साथ लो तो पेट साफ करता है, दही के साथ लो तो कोलाइटिस कब्ज कोलाइटिस और बार बार जिनका पेट साफ होता है डायरिया उसको ठीक करता है। खैर मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन, तो एक एक दवाई को शिद्दत से बता रहे हैं। और पेट कितना ही हार्ड हो जाए, सुबह खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत, इतनी सी चीजें हैं ये। और पेट पर मिट्टी पिट्टी मिट्टी पट्टी के साथ हॉट एंड कोल्ड प्रेस और गीली पट्टी, गर्म पानी का मोटा टॉवेल यहाँ पेट पर लगा दो और पेट पर लगा करके उसको ऊपर से बांध दो, ऐसे एकदम अच्छा हो जाता है, छोटी सी बात है। और चबा चबा कर खाओ, कम खाओ। सुबह खाली पेट नाश्ते में अंकुरित ज्यादा लें, फल ज्यादा लें। और खाने के सीक्वेंस में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ उबला हुआ धीरे धीरे खाएं। और जो कुछ मिष्ठान आदि खाना, वैसे तो ज्यादा पेट की बीमारी होने पर मीठा मना करते हैं, फिर भी कोई पकवान या मिष्ठान खाना हो तो खाने के बाद। और जिनके 50 पार हो गई है मेरी तरह से उम्र, वो दो ही बार खाएं, एक बार सुबह 10 बजे के आसपास और शाम को 5 से 7 के बीच में, बस। तो कभी भी सोचना ही नहीं पड़ेगा पेट के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, और जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी आप तो वक्रासन ही कर लेना, क्योंकि अभी आपको बेटी का भी ध्यान रखना है। आपने वैसे तो अपने आप को बहुत नियंत्रित कर लिया, जो है बच्चा होने से 3 दिन पहले तक योग कर रहे थे और फिर वापस 2 महीने बाद योग क्षेत्र में आ गई और वापस पूरा काम करने लगी। ये ऊर्जा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मीनाक्षी जी। तो ये वक्रासन और गौमुखासन ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ये पेट के लिए बैठ करके अभ्यास बताएं, ऐसे अब लेट करके बताएंगे जी।